Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. In this video, we are talk about the regulation of cardiac output. Cardiac output means हमारा जो 1 minute के अंदर cardiac cycle चलती है, उस 1 minute के अंदर जो हमारे body का all and every part of the blood means आपका जो 5 से 5.5 liter blood है वो पूरा का पूरा pump किया जाता है, तो वो किस तरह से होता है और कौन सा brain का part है जो हमारे cardiac cycle को control करता है, तो न्यूरल रेगुलेशन भी हम इसके अंदर देखेंगे. सो हमारे ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लॉन्ग कहता है बेटा, दिस पार्ट हैव अ कार्डियोवास्कुलर सेंटर. यहाँ से हमारी कार्डियक के पास मैसेज जो है, हार्ट के पास पंपिंग के जो मैसेज आते हैं वो यहाँ से कन्वे होते हैं. तो इसकी दो तरह की नर्व निकलती है. एक नर्व को कहा जाता है सिंपैथेटिक नर्व एंड दूसरी है पैरासिंपैथेटिक नर्व. सिंपैथेटिक नर्व एक हार्मोन बनाती है दैट वी कॉल्ड एड्रेनालिन एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व जो हार्मोन बनाती है दैट वी कॉल्ड एसिटिल कोलिन. ये दो तरह के हार्मोन हमारे सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व के द्वारा बनाए जाते हैं. सिंपैथेटिक नर्व से जो एड्रेनालिन निकलता है इट इंक्रीजेस हार्ट बीट. एंड एसिटिकोलिन डिक्रीजेस हार्ट बीट. ये क्या होता है? इंक्रीजेस हार्ट बीट एंड डिक्रीजेस हार्ट बीट. ये कब होता है और कैसे होता है? सपोज़ हम रनिंग कर रहे हैं, हम कोई हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या हमें बहुत डर लग रहा है, फियर हो रही है, एन्जाइटी हो रही, उस कंडीशन में हमारे हार्ट बीट इंक्रीज़ होते हैं, रैंडमली इंक्रीज़ होते हैं. तो इंक्रीज़ करने का काम कब कौन करेगा? एड्रेनालिन करेगा. मतलब हमारा मेडुला ऑब्लॉन्गाटा का आपका सिंपैथेटिक नर्व वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, वो एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट करेगा एंड इट इंक्रीजेस आवर हार्ट बीट. बट जैसे ही हमारा डर ख़त्म हो जाता है, हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, धीरे 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 हमारा हार्ट बीट स्लो डाउन होता है. तो स्लो डाउन करने का काम कौन कर रहा है? पैरासिंपैथेटिक नर्व कर रही है, जो भी हमारी मेडुला ऑब्लॉन्गाटा से ही निकल रही है और वो हार्मोन बना रही है एसिटोकोलिन. जब ये हार्मोन सीक्रेट होता है तो हमारे हार्ट बीट का जो रेट है वो धीरे धीरे कम होता है. तो जैसे ही हम कोई हैवी चीज़ें करते हैं, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट बीट इंक्रीज होता है, आफ्टर रेस्टिंग इट बिकम्स डिक्रीजेस. तो इस तरह से साइड बाय साइड आपके दोनों हार्मोन्स वर्क करते हैं, दोनों तरह की नर्वस सिस्टम वर्क करती है जो हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करती है. मीन्स बोथ आर द डिपेंड ऑन ईच अदर, बोथ सिस्टम आर द डिपेंड ऑन ईच अदर. ओके, ये हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल कर रही है. तो हमारा जो पंपिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है हमारा, वो देखेंगे अब हम यहाँ पे. कार्डियक आउटपुट ये क्या होता है? हमने कहा बॉडी के अंदर कितना ब्लड है? बॉडी के अंदर 5.5 liter ब्लड है. ओके, ये ब्लड कितने मिनट में पंप होता है? ये ब्लड 1 minute में पंप होता है. ओके, 1 minute में कितने हार्ट बीट होते हैं? 1 minute में 72 हार्ट बीट होते हैं. एंड 1 heartbeat में हमारा कितना लीटर ब्लड पंप होता है? वो होता है हमारा 70 liter ब्लड पंप इन 1 heartbeat, इन 1 cardiac cycle 70 liter आपका ब्लड जो सेवेंटी मिली लीटर जो ब्लड है हमारा पंप हो रहा है. ओके, 70 मिली लीटर पंप हो रहा है तो इसे कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम. इस ब्लड को कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम. तो हमारा 1 cardiac cycle क्या होगी? सॉरी, या 1 cardiac cycle कंप्लीट हो रही है हमारी, तो कितना होगा हमारा ब्लड? यहाँ पे होगा पल्स रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम.
तो पल्स रेट है हमारा 72, स्ट्रोक वॉल्यूम है हमारा 70, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 50-40 लीटर, मतलब नियर अबाउट 5040 लीटर ब्लड आपका पंप हो रहा है। और इतना ही तो ब्लड हमारी बॉडी में रहता है, मींस बॉडी का पूरा ब्लड एक मिनट के अंदर पंप हो जाता है, एंड दैट कंडीशन वी कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। इसी को हमने कहा है कार्डियक आउटपुट। और ये हमारा कंट्रोल कौन कर रहा है? ये हमारा कंट्रोल कर रहा है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, इट इज़ द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पार्ट है हमारा जो पीछे की तरफ लोकेटेड है, दैट वी ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम भी कहलाते हैं। यहाँ पे जो सेंटर्स है रेस्पिरेटरी आपके सर्कुलेशन के, दैट सेंटर वी कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सेंटर, जहाँ से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम निकलती है, और जहाँ से हार्मोन्स के द्वारा हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर के द्वारा हमारी जो कार्डियक साइकिल है, पंपिंग ऑफ ब्लड है, वो कंट्रोल किया जाता है। दिस इज़ अबाउट द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर। थैंक यू।